फैमिली कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से मजे में होंगे। काफी दिनों से मैंने यूं नहीं किया, शायद आप लोग इस चीज को मिस कर रहे होंगे। आप तो कर रहे हो या ना कर रहे हो मुझे भूल गया था कि मैं ये बड़े टाइम से मैंने यूं नहीं किया। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। तो गाइज, आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब किया या नहीं किया? मुझे लगता है कुछ लोगों ने नहीं किया। जिन्होंने नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो देख ही लेते तो एक बटन प्रेस करने में क्या टेंशन जाती है, सही है ना? तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और यार वीडियो जो है ना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर किया करो, ताकि वो भी नए नए गाने सुन लें। और जो लोग कहते थे ना कि जी पाकिस्तानी सॉन्ग के ऊपर आप लोग रिएक्ट नहीं करते, वैसे तो किया ही है कुछ ना कुछ, लेकिन आप लोगों का गिला अभी आज हम फिर दूर करने वाले हैं। बड़ी हैंडसम पाकिस्तानी सिंगर हैं सलमान कदीर, लड़कियों के स्पेशली बहुत फेवरेट होंगे क्योंकि यंग सिंगर हैं, आवाज़ भी इनकी बहुत प्यारी है। तो उनका और रिलिशमा का नया सॉन्ग आ चुका है, तो जल्दी से इंतज़ार किए बगैर आप और मैं गाना सुनते हैं, उसके बाद हम उसके ऊपर मिल के रिएक्शन देंगे आज। तो चलिए सॉन्ग का टाइटल है इश्क और गाया है सरमद कदीर ने, तो चले सुनते हैं। यह है कायदे आज़म लाइब्रेरी, लाहौर की सबसे मशहूर लाइब्रेरी। आपके पास है कुछ कराची में ऐसा? हमारे पास मज़ार कायदा है यार, कायदे आज़म यहाँ पर बैठ के पढ़ा करते थे। इस हिसाब से लामा इकबाल एयरपोर्ट के बारे में तुम क्या कहोगे? खैर, शाम को बस भी है और मूवी भी देखने जाना है अभी, तो अंदर चल के देखते हैं क्या हो सकता है। मेरी बस एक पिक्चर ले लेना। ये जुल्फ तेरी है रात घनी, ये चेहरा तेरा सुबह की तरह, ये झुकती नजर हो जैसे हया, ये बातें तेरी सुभान अल्लाह। तू इल्म सी है मैं तालिब हूँ, तू शायरी है मैं गालिब हूँ, तू मौसम है मैं बारिश हूँ, तू अर्जी में सिफारिश हूँ। ये सांस तेरी बहकती हुई, महकती हुई सबा की तरह, ये होंठ तेरे गुलाब खिले, ये नखरा अदा करूँ क्या बयां। तू शम्मा सी मैं परवाना, तू जाम है तो मैं मेखाना, तू इश्क सी है मैं दीवाना, मैं मस्ताना। आ तुझे दिल में मेरे कैद मैं यूं कर लूं, धड़कनों को भी तेरे पास आने न मैं दूं, इन आँखों में यूं रख लूं तुझे, नजर बस तू ही आए मुझे, तू रात हसी सितारा में, तू लहरों सी किनारा में, तू रात हसी सितारा में, तू लहरों से किनारा में, तू महफिल सी मैं खामोशी, तू चढ़ता नशा मैं मदहोशी। एक्सक्यूज मी, ये विंडो वाली सीट मेरी है। आके वो बेबी, इश्क हंसाए कभी इश्क रुलाए, ये इश्क क्या चाहे कोई तो समझाए, हाय इश्क हंसाए कभी इश्क रुलाए, ये इश्क क्या
चाहे कोई तो समझ आए हाय इश्क हंसाए कभी इश्क रुलाए ये इश्क क्या चाहे कोई तो समझ आए हाय इश्क हंसाए कभी इश्क रुलाए ये इश्क क्या चाहे कोई तो समझ आए हाय इनकार किसी लज्जत इकरार में कहां गालिब पड़ता है शौक उनकी नहीं नहीं से जी कुछ कहा आपने जी नहीं ये बुक में लिखा हुआ है कौन सी बुक जी ये सो गाइस गाना आप लोगों ने भी सुन लिया मेरे साथ साथ सही है तो मैं तो रिएक्ट करती हूँ आप भी कमेंट में जरूर बताइएगा आपको गाना कैसा लगा गाना बहुत प्यारा था सॉफ्ट सा म्यूजिक था और शायर इन्होंने पहले भी जो शायर सॉन्ग गाया था मुझे लगता है ये उसका टू सेकंड पार्ट है क्योंकि इसमें भी एंड में उन्होंने शायर वाली बुक निकाली और उसमें से पोइट्री जो सी है ना वो पढ़ दी है और वो लड़की को पता नहीं कहाँ से सुनाई दे रही है बट गाना बहुत अच्छा था सरमद कदीर की आवाज़ वैसे भी जिस तरह वो खुद हैंडसम और खूबसूरत हैं और स्टाइलिश हैं और वैसे भी आवाज़ उनकी उसी तरह से बहुत प्यारी है और आजकल बहुत अच्छे अच्छे गाने आ रहे हैं भाई पाकिस्तानी बड़े जो है ना वो धूम धड़के वाले भी शादियों वाले भी फिर रोमांटिक भी सॉफ्ट भी दुखी भी हर तरह के गाने मतलब आप अपने पाकिस्तान के गाने लगा के सुनो ना तो आपको मजा आ जाता है मुकाबले के गाने आ रहे हैं तो गाना बहुत प्यारा है वीडियो भी बहुत अच्छी थी हल्की सी स्टोरी थी और मतलब थोड़ा थोड़ा उन्होंने जो है ना वो छोटी सी वीडियो बना के जो है ना वो अच्छा सा कैप्चर करके दिखाया गया एंड स्टोरी यूजुअली ऐसे ही लाइफ की स्टोरीज भी होती हैं कुछ ना कुछ वो रिलेट कर देते हैं उन चीज़ों के साथ के रियलिटी लगे एंड गाना बहुत अच्छा है आप लोग भी सुनिए इंजॉय कीजिए मुझे तो गाना बहुत अच्छा लगा आप लोग कमेंट्स में बताना ना भूला करें कि जो है ना वो गाना कैसा लगा आप लोगों को एंड वीडियो कैसी लगी और मज़ीद ये भी बताया करें कि आप लोग किस तरह की वीडियोज़ चाह रहे हैं देखना मतलब व्लॉग्स चाहते हैं या रिएक्शन वीडियो चाहते हैं या जो कुछ भी आप लोगों की ख्वाहिश है वो ज़रूर बताया करें आपकी राय बहुत अहम होती है हम लोगों के लिए क्योंकि हम फिर उसी तरह से कोशिश करते हैं जिस तरह से आप लोगों को चीज़ पसंद आए ठीक है और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा कॉमेंट करना ना भूलिएगा शेयर करना ना भूलिएगा एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड और क्या बस इतना ही और लाइफ को एंजॉय कीजिए म्यूजिक एंजॉय करते रहें लाइफ के मोमेंट को जो है ना वो बहुत संभाल संभाल के एंजॉय करें क्योंकि यही यादें होती हैं जो आपके साथ साथ चलती हैं वक्त गुजर जाता है बस यादें आपके साथ रहती हैं सो गाइज एंजॉय करते रहिए थम्स अप है और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत ठीक है बाय